हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट में एलसीसीडी इक्वेशन भी कहते हैं। उसके अंदर जैसे इंजीनियरिंग के अंदर और बीएससी के अंदर और आपके पॉलिटेक्निक के अंदर जो मैथमेटिक्स आती है उसके अंदर ये पार्ट कवर होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है एलसीसीडी इक्वेशन, जिसको कहते हैं लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर बेसिकली जब इक्वेशन आती है तो सबसे पहले हमें पहचान करना होता है कि भाई ये इस मेथड से सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो अगर हमारे पास जैसे कोई इक्वेशन आ गई d2y by dx square plus 3dy by dx plus 2y equal to e to the power x, तो हमें क्या आपको पता लगेगा कि ये एलसीसीडी इक्वेशन है, अचर गुणांक जिसको हिंदी में कहते हैं, अचर गुणांक वाली अवकलन समीकरण। तो हमें कब पता लगेगा, जब हम देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है इक्वेशन का उसके कोफिशिएंट क्या है। फॉर एग्जांपल इसका कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो ये तीनों के तीनों जो वैल्यूज है वो कैसी वैल्यूज है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज है। तो अगर कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारे पास आती है तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट के अगर कांस्टेंट टर्म्स होती है तो उस केस में हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, एलसीसीडी इक्वेशन। अब हमें आइडेंटिफिकेशन मिल गया कि भाई ये तीनों कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए, तब हमें सॉल्व कैसे करना है। तो जब हम dy / dx लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि y विल बी एक्टिंग एज ए आउटपुट एंड x इज एक्टिंग एज ए इनपुट, यानी हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, y एज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो y हमारा आउटपुट की तरफ बिहेव करेगा और x हमारे इनपुट की तरफ बिहेव करेगा। तो रिजल्ट इस केस में क्या लिखा जाता है, y इक्वल टू cf प्लस pi। अब ये cf क्या होता है, cf स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड pi स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये दो पार्ट होते हैं इसके, cf एंड pi। तो cf जो है वो डिटरमाइन किया जाता है इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से और pi डिटरमाइन किया जाता है इक्वेशन के राइट हैंड साइड से। ऑब्वियसली हर इक्वेशन के दो ही पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के और राइट हैंड साइड। तो cf जब हम डिटरमाइन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर डिपेंड करेगा और pi हम डिटरमाइन करेंगे तो राइट हैंड साइड पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि cf हमें कैसे डिटरमाइन करना है और cf जो है वो खुद किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं cf की। तो cf जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स पर, यानी रूट्स का नेचर क्या है। तो रूट्स के नेचर में तीन केसेस आते हैं। केस फर्स्ट, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, क्या हो सकते हैं, रियल और अनइक्वल। तो रियल नंबर जो होते हैं वो अपन जानते ही हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, जिसमें आयोटा कंसीडर नहीं होता है। तो अनइक्वल क्या होंगे कि जैसे अगर मेरे रूट आ गए 2, -2, तो दोनों नंबर कैसे हैं, रियल है और अनइक्वल है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। लेकिन अगर नंबर आगे मान लो 2, 2, तो ये रियल तो है लेकिन रिपीटिंग कर रहा है, क्योंकि दो कितनी बार आ गया है, दो बार। तो अगर हमें पता लगता है कि रूट्स रियल और अनइक्वल है तो उस केस में हम cf कैसे लिखेंगे, cf इक्वल टू c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x, c3 e की पावर m3x एंड सो ऑन। यानी ये जो m1 m2 m3 हमने जो लिखा है ये हमारे क्या है, यहां पर रूट्स की वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहां पर पावर में मेंशन करनी है। और c1 c2 c3 ऑब्वियस है हमारे क्या है, यहां पर कांस्टेंट्स है। केस सेकंड क्या आ सकता है हमारे पास, कि रूट्स जो है वो रियल तो है बट इक्वल है।
अब इक्वल में भी दो रूट इक्वल आ सकते हैं, तीन रूट इक्वल आ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी इक्वेशन की पावर होती है उतने ही रूट हमें मिलते हैं। तो इसके अंदर अगर मान लो टू रूट अगर इक्वल आ जाते हैं, टू रूट आर इक्वल, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सी एफ इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर एम एक्स। और अगर तीन रूट इक्वल आ जाते हैं, थ्री रूट आर इक्वल, तो उस केस में हमें लिखना है सी एफ इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स, जहां पर m जो है उस रूट की वैल्यू है जो रिपीट हो रहा है, और c1 plus c2x plus c3x square plus c4x cube and so on, ये हमारे को एक सीरीज मेंशन करनी पड़ेगी उस रूट के आगे जो रूट रिपीट हो रहा है। जो रूट नॉन रिपीटेड है उसके लिए ये पार्ट है, जो रूट रिपीटेड है उसके लिए ये पार्ट है, दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों रियल है। तीसरा केस जो हमारे पास आ सकता है वो है रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स के टर्म में आयोटा कंसीडर किया जाता है, तो हम रूट को कैसे कंसीडर लिखते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जहां पर अल्फा हमारे रूट का कैसा पार्ट है, रियल, और बीटा हमारा कैसा पार्ट है, इमेजिनरी। तो इस केस में हमें कैसे लिखना है सी एफ को, तो सी एफ विल बी ई टू द पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ये हमारा पोर्शन होगा किस केस के लिए, अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेते हैं, अगर रूट हमारे आते हैं टू और माइनस टू, ठीक है, इसके लिए टू और माइनस टू अगर हम लेते हैं, तो सी एफ इस केस के लिए क्या लिखा जाएगा, सी वन ई की पावर एम वन की जगह मान लेते हैं टू लिख दिया, सी टू ई की पावर क्या लिख दिया, माइनस टू, एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस, कुछ भी हो सकती है, वो टू कॉमा वन भी हो सकता है, कोई भी होता डिपेंड करेगा इक्वेशन के रूट पर। तो 2 कॉमा 1 होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक जगह 2 और एक जगह 1। तो इस तरह से हम किसके लिए लिखेंगे, रियल और अनइक्वल के लिए। अगर रियल और इक्वल आते हैं, मान लो दो रूट इक्वल आ गए 3 कॉमा 3, तो इसके लिए हम सीएफ कैसे लिखेंगे, सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर 3x, यानी एम की जगह क्या आ जाएगा 3। और अगर हमारे पास तीन रूट रिपीट आ जाते हैं, जैसे किसी इक्वेशन के रूट आ गए 2 2 2, तो उस केस में हमारा सीएफ क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू एक्स सी थ्री एक्स स्क्वायर e to the power 2x, यानी n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर imaginary root आता है, मान लेते root आ गया 3 plus minus iota 2, ये हमारा root आ गया 3 plus minus iota 2, तो इसको अगर हम compare करते हैं, alpha will become 3 और beta की value क्या हो जाएगी, 2। तो cf क्या होगा इस केस में हमारा, cf will be alpha x, alpha की जगह लेते हैं 3, e की power 3x c1 cos, अब बीटा देखो यहाँ पर बीटा साइन के साथ भी है और कॉस के साथ भी है, और बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं, वैसे हमें यहाँ से लिखना चाहिए, अगर कंपेयर करते हैं तो बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो इसमें हमें प्लस माइनस नहीं लेना है, बीटा की जो वैल्यू आ रही है वही लेनी है हम, और हमेशा ऐसे मान सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो कॉस 2x प्लस सी2 साइन 2x, ये हमारा पैटर्न होगा अगर रूट्स कैसे आते हैं, इमेजिनरी। तो लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पार्ट, जैसा हमने डिस्कस किया था सीएफ एंड पीआई, उसमें हमने पहला पार्ट डिस्कस किया है सीएफ, जो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रूट्स पर, जिसमें तीन केस हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। अगर इस केस में हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स, रियल एंड अनइक्वल एंड रियल एंड इक्वल, तो उस केस में हमारा सीएफ का पैटर्न डिफरेंट होता है। m जहां पर भी हमने लिखा है दैट स्टैंड्स फॉर रूट की वैल्यू, जो कि हमें इक्वेशन डिफाइन बताएगी, डिफाइन करके बताएगी। और दूसरा चीज क्या है कि रूट इक्वल भी हो सकते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और रूट कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर cf का पोर्शन आता है एलसीसीडी में, तो उसको डिफाइन कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन दैट हम आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।